इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप अपने फेसबुक एड्स में करते हो, जिसकी वजह से आपका जो एड है वो अच्छे से नहीं चलता है, आपको सेल नहीं आती है और आपको लगता है यार फेसबुक मेरे लिए काम नहीं कर रहा है या फिर मेरे एड्स ही क्यों नहीं अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करते हैं। तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि 1 मई को मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लाइव होने वाला है, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। अगर आप चाहते हो रजिस्टर करना तो नीचे लिंक दे रखा है, आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर लाइव ट्रेनिंग्स होंगी, कोई रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं, लाइव ट्रेनिंग। अगर आप कहीं पर भी फंसते हो लाइव ट्रेनिंग के दौरान, आपको कोई डाउट आता है तो आप उसी लाइव ट्रेनिंग में पूछ सकते हो उस डाउट को। ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स, इन दोनों को मैं कवर करने वाला हूँ। फेसबुक एड्स में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर की जाएंगी। ठीक है, और जो फेसबुक एड्स मैं इसमें सिखाने वाला हूँ उससे आप ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड या कोई भी अदर चीज़ें आप डिजिटली सेल कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोग्राम रहेगा, एक महीने का ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें से मैं 2 वीक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। उसके बाद जब आप इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे होगे, कोई दिक्कत आएगी तो आपका वो डाउट क्लियरिंग भी हम करेंगे। ठीक है, और एक महीने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स पड़ते हैं तो भी उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम है मेंटरशिप का, अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर आपको और कुछ जानना है तो उसके लिए भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से और कुछ जान सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम के थ्रू जान सकते हो। कल रजिस्ट्रेशन बंद हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो पहला डे फ्री में अटेंड कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको पहले डे का लिंक दिया जाएगा। आप चाहो तो पहले दिन को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और उस दिन आप देख सकते हो कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, कैसे वो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो भी आप तभी आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाकर ज्वाइन करो और हम मिलते हैं हमारे उस ट्रेनिंग में। एंड अब शुरू करते हैं इस वीडियो का जो कंटेंट है इस फेसबुक एड्स में। तो सबसे पहली चीज़ जो है जिसकी वजह से आपका फेसबुक एड्स नहीं चलता है वो है ऑफ़र। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे एड्स देखे हैं जिनके अंदर कोई ऑफ़र नहीं होता है। देखो, जब बंदा इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आया होता है तो वो किसी चीज़ को खरीदने के इंटेंशन से नहीं आता है। ठीक है, वो वहाँ पर आया है अपने दोस्तों से मिलने या फिर कुछ स्क्रॉलिंग करने, कुछ मीम वगैरह देखने, कुछ नाच गाना देखने, ऐसी सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली आया है। ठीक है, अब हम उसको ऐड दिखाते हैं और तब उसका मन बनता है कि यार ये चीज़ अच्छी, चलो मैं इसको खरीद लेता हूँ। लेकिन उस चीज़ को, वो डिसीजन को अप्लाई करने के पहले, ठीक है, उसको चाहिए होता है एक ऑफ़र। डिस्काउंट सबको पसंद है, अगर आप वहाँ पर एक ऑफ़र दोगे, ठीक है, तो जो आपका कन्वर्जन रेट है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश क्या करोगे कि आप अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा ऑफर रखोगे, एक इरेजिस्टेबल ऑफर रखोगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो ना ये बताते हैं कि उनकी फ्री डिलीवरी हो रखी है, ना वो ये बताते हैं कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, प्लस जो ऑफर होता है एक जो कस्टमर डिस्काउंट जिसके लिए कस्टमर खरीद सकता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर है या एक्सक्लूसिव ऑफर है या आज के लिए ऑफर है, तो अगर आप ऑफर नहीं ऐड कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस को अपने खो रहे हो। ठीक है, तो आप अपने ऑफर को ऐड करो अपनी वेबसाइट पर, प्लस अपने एड्स में उस ऑफर को ऐड करो, तो डेफिनेटली आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव। ठीक है, ऐड क्रिएटिव में क्या होता है, देखो जो चीज़ अच्छी लगेगी वो चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में कोई बंदा उस चीज़ को टच तो कर नहीं रहा है या उस चीज़ की क्वालिटी तो देख नहीं पा रहा है कि यार ये कैसा है कैसा नहीं है। तो वहाँ पर जो मेन चीज़ काम आती है वो आती है आपकी क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव कैसा है। मैंने बहुत सारे एड्स देखे इनके क्रिएटिव अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो चीज़ परफॉर्म नहीं करती है। और क्रिएटिव में आपका एक होता है ऐड क्रिएटिव टेस्ट करना, अलग अलग क्रिएटिव्स को टेस्ट करो। होता क्या है कि आप एड सेट के अंदर जूझ रहे होते हो, इंटरेस्ट चेंज कर रहे होते हो, बिहेवियर चेंज कर रहे होते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है आपके क्रिएटिव के ऊपर, लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। देखो, अटेंशन स्पैन बहुत कम है लोगों का, आपको लोगों को ग्रैब करना पड़ेगा, उसके लिए आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए। और उस ऐड क्रिएटिव के साथ जो ये पहला वाला पॉइंट है जो कि ऑफर, ये दोनों एक दूसरे को मैच करने होने चाहिए। अपने ऐड क्रिएटिव पर फोकस करो। अगर आप टी शर्ट्स लोग उठाते हैं, जैसे ग्लोरोड या मीशो से आपने टी शर्ट उठाया हुआ है तो डायरेक्टली उसी टी शर्ट को ऐड पे रन कर दिया, वहाँ पर वो उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होता है। तो आपको एक अच्छा मॉकअप रेडी करना होगा, प्लस जो आपका क्रिएटिव है वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को रोक दे, ठीक है, और वो आपसे सामान खरीदें, है ना। तो क्रिएटिव पर फोकस करो और अलग अलग क्रिएटिव को टेस्ट करो, कैरोसेल टेस्ट करो, सिंगल टेस्ट करो, वीडियो एड को टेस्ट करो, ठीक है। तो अब इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्रिएटिव आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीसरी चीज़, जो आपकी वेबसाइट है क्या वो मोबाइल पे अच्छी लग रही है, बिकॉज जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसको आप लैपटॉप से बनाते हो और वो लैपटॉप के लिए ऑप्टिमाइज होती है, तो क्या वो फ़ोन पे अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, क्या वो फ़ोन पे अच्छी खुल रही है या फ़ोन पे अच्छे से वर्क कर रही है, ये चीज़ देखो। दूसरी चीज़, जब आप बाय नाउ कर रहे हो तो क्या वो ईजी प्रोसेस है या वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ होता है कि जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो आपका कार्ट में जाने का बटन या इन्फॉर्मेशन ऐड करने का बटन कहीं ऊपर नीचे आ रहा होता है, जिसको वो कस्टमर नहीं देख पाता और जिसकी वजह से आपका केवल नीचे चेकआउट हो पाता है और उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो कोशिश ये करो कि आपकी वेबसाइट फ़ोन पे भी उतनी ही अच्छी लगे जितनी वो लैपटॉप पर अच्छी लग रही है, ठीक है। प्लस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा तो आपके कस्टमर नहीं खरीदेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो कि क्या सब कुछ ईजी है, यानी कि अगर आप एक नया कस्टमर है तो वो आपके इंटरफेस कैसा है, आपका इंटरफेस आसान है
तो डेफिनेटली आपकी वो जो सेल है वो आएगी। ठीक है, ये कुछ तीन तरीके हैं जिससे आप अपने फेसबुक एड्स को अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपके फेसबुक एड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और आपको जो फेसबुक एड्स है उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होने वाली है, क्योंकि फेसबुक एड्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि वही मेन चीज़ है, वही मेन है इस बिजनेस में। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पहला दिन फ्री मिलेगा, या फिर आप अभी अगर रजिस्टर करते हो कल से पहले प्रोग्राम के लिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू ज्वाइन, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।